नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज जनपद आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कानपुर की घटना जहां भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि ये लोग सफाई महोत्सव की बात करते थे, आज एक झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वह संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना। जनपद के अतरौलिया विधानसभा के गदनपुर में राम प्यारे यादव की सुपुत्री की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ पहुंचे और सीधे गदनपुर स्थित राम प्यारे यादव के घर पर पहुंचे, जहां शिवपाल यादव तक का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि देश और प्रदेश के लोग परेशान हैं, कोई खुशहाल नहीं है। किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब सभी महंगाई से परेशान हैं, तो नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है। कानपुर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, लेकिन अब आने वाले समय में ये सिर पीटेंगे। उन्होंने कहा कि जब कानपुर में माँ बेटी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो उस समय ये लोग लखनऊ के ताज होटल में जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय में ये लोग सफाई की बात करते थे, अब जब माँ बेटी और उनकी झोपड़ी पर बुलडोजर चढ़ा दिए, ये लोग एक झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने दिए। 2024 को लेकर पार्टी की तैयारी और आपको नई जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, ऐसे में सर आपकी भूमिका क्या होगी? संगठन को मजबूत करना, और मैंने जो बताया है हमारा एक ही मिशन है, इस समाजवादी पार्टी को मजबूत करके सत्ता में लाना है। सर, एक आपके पार्टी के एक नेता का एक धार्मिक ऊपर बयान बार बार चलाया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक, कई पदाधिकारियों ने भी विद्रोह के स्वरूप किए हैं, इसके बारे में सर क्या? देखिए, ये बातें आप लोगों को अब छोड़ देना चाहिए, इस पर बहुत कुछ स्टेटमेंट हम लोगों के आ चुके हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास तो कुछ कर नहीं रही है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है धर्म को लेकर के। ये सब बातें छोड़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बस इन मुद्दों को से भटकाना चाहती है जनता को। और आप लोग देख ही रहे हो, अभी जो कानपुर में जो दुर्घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, देखा होगा, और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे। और इसलिए सिर पीटेंगे, आप देख रहे होंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे, अब जब माँ बेटी की किस तरीके से बुलडोजर चढ़ा दिया, एक झोपड़ी, बताइए, एक झोपड़ी भी नहीं दे सकते हैं, झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा कहा जाता है कि आजमगढ़ जिले से आपके परिवार से विशेष लगाव है, लोग कहते हैं कि एक परिवार का एक घर सैफई है, दूसरे घर आजमगढ़, सर इस पे आपके क्या? देखिए, नेताजी का बहुत लगाव रहा, जैसे इटावा वैसे ही आजमगढ़ के साथ साथ पूर्वांचल से विशेष लगाव रहा हमेशा नेताजी को, तो लगाव है ये और रहेगा हमेशा।
जी सर, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और इस समय चाचा भतीजा दोनों की जोड़ी एक हुई है, सर ऐसे में 2024 को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा संगठन के व्यक्ति रहे हैं और मेरा केवल एक ही मिशन है, संगठन को मजबूत करके 2024 में सरकार में रहना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।